क्या आप सबके साथ यही होता है कि जब हल्की फुल्की सी भूख लगी होती है तो दिल चाहता है कि कुछ हल्का सा खाने को दिया जाए जो कि मजेदार भी हो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो बिमिल्लाम असला शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकते हमारे खानों में शामिल है आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल क्लब सैंडविच ये वो सैंडविच है जो की खाने में जितने मजेदार है यकीन करें बनाने में उतने ही आसान है और अच्छी बात यह है की ये बहुत ज्यादा हेल्दी सैंडविच है ना तो इनको किसी तरह का हम लोग फ्राई करेंगे के साथ इनको 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 करेंगे और यकीन करें जब एक बार आप आप बनाएंगे ना बाहर से लेना छोड़ देंगे तो बस जी टाइम को बोनलेस चिकन लिया छोटे छोटे पीसेस किए हैं वजन इसका 200 ग्राम है अब इसके अंदर शामिल करेंगे दो खाने के चम्मच दही आधा चाय का चम्मच नमक एक खाने का चम्मच टिक्का मसाला आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और एक तिहाई चाय का चम्मच अदरक का पाउडर अच्छा अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना एक चम्मच एक खाने का चम्मच लींब का रस अब हमने इसके अंदर मजीद कुछ नहीं डालना बहुत सिंपल से इसके मसाले हैं सिंपल टिक्का मसाला लेना है किसी भी ब्रांड का ले ले मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं और वही आपने यहाँ पे डालना है अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और यहां पे साथ आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है इससे हमारे चिकन का कलर भी अच्छा सा हो जाएगा और थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा अब जिस पैन में हमने इसको पकाना है उसी पैन में हमने लेना है दो खाने के चम्मच तेल जैसे ही तेल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर डालेंगे हम लोग अपना चिकन जिसको हमने मसाले लगा के रखा है अब चिकन को हमने तेल के अंदर यहाँ पे एक से दो मिनट के लिए यहाँ पे भून लेना है अच्छा ये काम लाजमी करना है इसी से चिकन जो है इसका जो भुना हुआ फ्लेवर सा पैदा होगा बड़ा ही अच्छा सा जो है जायका सा होगा चिकन का अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दो से तीन चम्मच पानी के और ये मैंने उसी बाउल से ही डाला है जिसके अंदर हमने चिकन का मसाला बनाया था ताकि जो हमारा मसाला है वो जाया ना हो इसको कवर करेंगे कवर करके हमने इसको सात से सा आठ मिनट के लिए लो मीडियम आंच पे हमने पकाना है जब तक कि चिकन हमारा अच्छी तरह से पक नहीं जाता जब तक कि चिकन हमारा पकता है तो दूसरी तरफ हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं एक बाउल के अंदर मैं ले रही हूँ यहाँ पे गाजर एक गाजर है जिसको इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है साथ ही थोड़ी सी बंद गोभी ये भी आधा कप से भी कम ही है एक तिहाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसके अंदर आधा कप जितनी डालेंगे मायोनीस अच्छी तरह से मायोनीज के अंदर ये जो सब्जी हमने डाली है इसको मिक्स करने ये वो बेसिक सैलिड होता है जो कि सैंडविच के लिए इन सैंडविच के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर बेकरी वाले इसी तरह का ही सैलड बना के इन सैंडविच के अंदर जो है वो रखते हैं अब इसको रख देते हैं साइड पर यहाँ पे चिकन को चेक कर लेते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह से पक गया है और पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है अब चिकन के जो बड़े पीसेज हैं, उनको थोड़ा मैं छोटा छोटा ही कर रही हूँ आप मुझे बताएं आप में से कौन कौन क्लब सैंडविच जो है वो पसंद करता है आपने हमें लाजमी बताना है कि आप किस तरह से क्लब सैंडविच जो है वो तैयार कर घर में चिकन रेडी हो गया है अब इसको रखते हैं साइड पे अब यहाँ पे मैंने चार ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। सबसे पहले इनके जो किनारे हैं वो हम काट लेते हैं अब इन क्लब सैंडविच के लिए हमें जिन सब्जियों की जरूरत है इसमें एक तो खीरा है उसको भी स्लाइस में काट लिया है साथ ही सलाद के पत्ते हैं और साथ मैंने लिए हैं उबले हुए अंडे उनको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है अब जो ब्रेड की स्लाइस हमने किनारे काट के रखे हैं वो चारों जो है एक साथ ही फैला देंगे अब एक पीस के ऊपर हम लोग यहां पर फैलाएंगे कैचअप दूसरे के ऊपर भी कैचअप फैला देंगे अब जो बाकी दो पीसेज हैं इनके ऊपर हम लोग मायोनीस फैला देंगे अब एक पीस के ऊपर हमने चिकन जो है उसको फैला देने दूसरे के ऊपर जो हमने सैलिड बना के रखा है मायो सेलिड वो लगाने अच्छी सी क्वांटिटी में ही चिकन और मायो सैलड हमने रखना है अब तीसरे पीस के ऊपर हम लोग सलाद का पत्ता रखेंगे साथ ही इसके ऊपर रखेंगे खीरा के स्लाइस अब इसी के ऊपर रखेंगे अंडे अब जो चिकन वाला पीस है इसको रखेंगे सैलड वाले पीस के ऊपर इसके ऊपर रखेंगे सलाद वाला पीस और लास्ट में हम लोग रखेंगे जो हमारा चौथा पीस है जो चौथा हमारा स्लाइस है ब्रेड का मायो वाली साइड इसकी नीचे रखनी है और अब हमने इस सैंडविच को काट लेना है तो बस ये यह यहाँ पर बन चुका है हमारा बहुत मजेदार बगैर मेहनत के क्लब सैंडविच ये सैंडविच जो है डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये ना तो इसके अंदर किसी तरह का फ्राई है चिकन भी हमने बहुत कम ऑयल के अंदर तैयार किया है और बाकी सात वेजिटेबल्स हैं एग है और बहुत ही हेल्दी सा और साथ बहुत मजे का बनने वाला ये सैंडविच जो है रेडी है आप लोग क्लब सैंडविच जो है किस तरह से बनाते हैं उसकी असेंबलिंग किस तरह से करते हैं अब ये जो क्लब सैंडविच है थोड़ा सा इसको कमर्शियल लुक देने के लिए हम इसको इस तरह से एक पिक जो है इसके अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि सारे पीसेस जो हैं एक साथ जुड़े रहें तो बस ये यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल क्लब सैंडविच जो हैं रेडी हो गए हैं क्लब सैंडविच जो है फ्राइज के बगैर तो नामुकम्मल होते हैं और वो जो कहना चाहिए कि इनके साथ बहुत ज़रूरी है वो हैं जी फ्राइज और हमारे बहुत मज़ेदार किस्म के ये क्लब सैंडविच रेडी हैं ये सैंडविच जो है ना सिर्फ आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना कर दें हेल्दी से सैंडविच हैं बल्कि आप अपनी टी पार्टी के लिए या शाम की चाय के साथ बनाना चाह रहे हैं उसके साथ भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं रमज़ान आने वाला है आगे इफ्तार पार्टियां भी आप लोगों ने करनी है अपने घरों में इफ्तार में ये वाले सैंडविच बना के रखें क्या होता है क्योंकि ब्रेड है बहुत जल्दी ये ड्राई होना शुरू हो जाती है खुश्क होना शुरू हो जाती है तो सैंडविच आपके ख़राब भी हो सकते हैं आपने इनको इस तरह की सीलिंग रैप्स मिलते हैं उनके अंदर आपने इनको रैप करना है और आपका सैंडविच जो है बहुत ही फ्रेश रहेगा आठ से दस घंटे के लिए इसी तरह से आपने सैंडविच को रैप करने अगर आपने उनको बाद में, में इस्तेमाल करना है अगर आपने बना के फौरन ही इनको खाना है तो तब आपको रैप करने की जरूरत ही नहीं है इसी के साथ ही आज के वीडियो का अख्तितम करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना है इन अगली दफा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज